नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंडियन नेवी SSR AA के आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर इस वीडियो में हाजिर हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। विद सोल्यूशन मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताऊँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है उबेर कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, ये जो GK क्वेश्चन है इनमें से 70% जो है हमने आपके कवर करवाए थे। आपने राजेंद्र सर की वीडियो भी देखी होगी, उसमें से दोस्तों कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जबकि दोस्तों उन्होंने केवल आपकी 5 से 6 क्लासेज ही ली थी और उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है उबेर कप। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान किसने लिखा? दोस्तों, भारत का संविधान जो है संविधान सभा ने लिखा था, जिसमें आपके अम्बेडकर जी मेन थे। तो यहाँ पर भारत का संविधान किसने लिखा? संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, बायोगैस में जो मेन गैस होती है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है वो मिथेन होती है। मिथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, राज्यपाल यानी गवर्नर बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल बनना चाहते हैं तो कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 35 साल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ पर खेले जाएंगे? तो 2024 के दोस्तों आपके जो है पेरिस में खेले जाएंगे और 2028 के लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 2024 के जो ओलंपिक खेल होंगे वो फ्रांस के पेरिस में खेले जाएंगे और 2028 के लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, यानी विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा था दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और इसके जो राइटर है वो अरुंधति राय हैं। दोस्तों, जो हमने इंडियन नेवी MR के लिए प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, कई क्वेश्चन दोस्तों उनमें से रिपीट हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनमें से भी कई क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता दोस्तों 1972 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। अगला सवाल है दोस्तों, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, एफिल टावर आपका कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ध्यान रखिए, एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों, पहले जो है भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही जो है मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया है, वर्तमान में 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन जो है वर्तमान में रूस देश के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये हमने आप सभी को करवा दिया था, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में है, असम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? तो ये 1 दिसंबर को होता है, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, काजीरंगा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा पार्क दोस्तों रिनोज यानी आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मिहिरकुल की राजधानी, तो सगाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा था दोस्तों आपसे, कीन का एंटोनियम, तो कीन का जो मतलब होता है दोस्तों किसी बात के लिए इच्छुक या फिर उत्सुक होना होता है। नेक्स्ट में पूछा था दोस्तों आपसे, तुर्की देश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है कि तुर्की देश है उसकी जो मुद्रा है वो तुर्किश लीरा आप कह सकते हैं, तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपकी जो क्लास ली थी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी करवाई थी, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली इस पॉइंट को बताया था और ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अजमत अली खां का संबंध किससे है? अजमत अली खां किससे संबंधित है? तो सरोद, जो कि एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, इससे संबंधित है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद से संबंधित है दोस्तों अजमत अली खान।
अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, तो 4 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ एशियन गेम्स 2019 हुए हैं, तो ये दोस्तों काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू में हुए हैं साउथ एशियन गेम्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेनिस का जनक किस देश को माना जाता है, तो दोस्तों टेनिस का जनक जो है फ्रांस को माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो हिस्टोरियंस है दोस्तों वो फ्रांस को मानते हैं, बाकी चीन को भी माना जाता है लेकिन फ्रांस यहाँ पर प्रेफरेंस रहेगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश दोस्तों आपकी मॉडरेट थी जिसमें आपके सिनोनियम एंटोनियम नरेशन वॉइस एरर 5 क्वेश्चन पैसेज से थे, नाउन एडजेक्टिव और मिसपेल्ट वर्ड थे, और दोस्तों यहां पर आपके 2 PQRS भी थे। तो ये दोस्तों ओवरऑल आपका इंग्लिश का था, बाकी इंग्लिश पर ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिले हैं दोस्तों। आज बिल्कुल लास्ट में यानी नाइट में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको आज पूरे दिन पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा विद सॉल्यूशन इंग्लिश के, फिजिक्स के, मैथ के और जीके के। उसके बाद दोस्तों मैथ और फिजिक्स आपकी मॉडरेट थी, रीजनिंग के दोस्तों आपके लगभग 10 क्वेश्चन थे जिसमें से आपकी नॉर्मल आपकी जो है रीजनिंग थी जिसमें कोडिंग डिकोडिंग स्टेटमेंट हो गया कैलेंडर सीरीज एनालॉजी से क्वेश्चन थे, यानी रीजनिंग आपकी काफी ज्यादा इजी थी। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा पेपर जो कि हमारे साथ काफी ज्यादा कैंडिडेट ने शेयर किया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जिन्होंने भी एग्जाम दिया हो और उनको इनसे अलग क्वेश्चन याद हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।